नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस जद्दोजहद में जुट गई हैं कि इस बार सत्ता की कमान किसके हाथ में आएगी। जाहिर है इसमें सबसे अहम रोल प्रदेश की जनता का है, जिन्हें लुभाने के लिए सभी पार्टियां जुट गई हैं। चुनाव जीतने के लिए वोटों की सबसे अहम भूमिका है और जातिगत वोटों को आकर्षित करने के लिए पार्टी रणनीति बना रही हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान दे रही हैं। ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुशवा और लोधी समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण इन समाज से जुड़े लोगों की संख्या 2 से 2.25 करोड़ होना है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 88 सीटों पर गेम चेंजर हैं। वहीं शिवराज सरकार ने जिन एक दर्जन से अधिक समाजों के बोर्ड इस साल गठित किए हैं, वे 105 सीटों पर दबदबा रखते हैं। सीधा मतलब ये है कि 230 में से 193 सीटों पर जाति आधारित वोटर्स सबसे बड़ा फैक्टर हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड पर खेल रही है। 2018 के चुनाव में सबसे पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस 1.5 दर्जन समाजों को साधने में सफल हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुए, इसलिए बीजेपी अब छोटी जातियों को साधने के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में काम कर रही है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में जाति राजनीति पर कितनी हावी है। शिवराज सरकार के हालिया मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, भले ही यह भाजपा सरकार का अब तक का सबसे छोटा विस्तार हो, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। 3 मंत्रियों को शपथ दिलाकर 2 वर्गों, ब्राह्मण और पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई। एमपी में जाति की राजनीति पैर पसारती हुई नजर आ रही है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुशवा, लोधी समाज मुख्य भूमिका में। पहले बात यादव समाज की करें, जिसकी आबादी 80 से 90 लाख है। प्रदेश की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही यादव समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लंबे समय से अहम पदों पर रहे। उनके अलावा सचिन यादव, संजय यादव, लाखन सिंह, हर्ष यादव आदि ऐसे विधायक हैं जो इसी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के अहम नेता माने जाते हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो बीजेपी में उच्च शिक्षा पद मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से और शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर से विधायक हैं, जो इसी समुदाय से आते हैं। अब बात राजपूत वोटर्स की है, जिनकी प्रदेश में आबादी करीब 65 लाख है। राजनीतिक नेतृत्व में राजपूत समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। प्रदेश में 230 में से 34 सीट पर इस समाज के विधायक हैं। तीसरे नंबर पे आता है कुशवाह समाज, जिसकी आबादी करीब 80 लाख है। इनका ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में 24 सीटों पर प्रभाव है। फिलहाल कुशवाहा समाज से 8 विधायक हैं। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने हाल ही में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड बनाया है। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब बारी है ब्राह्मण समुदाय की। मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण समुदाय से लोग आते हैं, जो कुल वोटर्स बैंक के करीब करीब 10% हैं। बिंद के अलावा महाकौशल और चंबल अंचल की करीब 60 से अधिक सीटों से ये निर्णायक भूमिका में रोल अदा करते हैं। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, तब उनकी चौथी पारी की शुरुआत में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, तुलसी सिलावट दलित, गोविंद सिंह राजपूत सवर्ण, मीना सिंह आदिवासी और कमल पटेल ओबीसी के जाट समाज से आते हैं। बस इसलिए अलग अलग जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए एमपी कांग्रेस जाति गणना को या जाति जनगणना का वादा कर रही है। वो कह रही है कि जाति जनगणना जब वो सत्ता में आएगी तब करवाएगी, और वहीं बीजेपी तो जाति आधारित वोट बैंक को साधने की जुगत बना ही रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।